नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीपीयू दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 4300 पदों 4300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज ही अपना फॉर्म भरें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, एग्जाम डेट, आवेदन शुल्क और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। इसमें संपूर्ण जानकारी के साथ में तो आगे की वीडियो के लिए प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरीज वालों की 20 से 25 ईयर कम से कम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए और ओबीसी और एससी एसटी को नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसमें जो भी छूट के प्रावधान होंगे, हमने तो यहाँ पर लगभग 5 वर्ष की छूट के साथ में 20 से 30 ईयर्स यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो भी नियम होगा उस अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम एजुकेशन योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग की पोस्ट के लिए बीएससी या बीए जो भी आपने की करना होगा और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री बीएससी बीए आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात करें तो दोस्तों 200 नंबर की होगी और 25% गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्क्स होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर रेस की बात करें दौड़ की, तो यहाँ 1600 मीटर की दौड़ होगी जो मेल को 6.5 मिनट के अंदर करना होगा और फीमेल को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर करना होगा। स्प्रिंट की बात करें तो यहाँ 100 मीटर 16 सेकंड के अंदर मेल कैंडिडेट को और 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड के अंदर फीमेल कैंडिडेट को करना होगा। हाइट की बात करें तो यहाँ 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और 154 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की होगी। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का और 5 सेंटीमीटर फैलाव के साथ महिलाओं के चेस्ट सेंटीमीटर होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। लॉन्ग जंप की बात करें या लंबी कूद की, तो पुरुष को यहाँ पर 3.65 मीटर की लंबी कूद करनी होगी और फीमेल को यहाँ पर 2.7 मीटर की लंबी कूद। हाई जंप ऊंची कूद की बात करें तो 1.2 मीटर और महिलाओं को 0.9 मीटर यहाँ पर ऊंची कूद करनी होगी। और शॉर्ट पुट की बात करें जो 16 LBS, मतलब जो छोटे छोटे कदम होते हैं वो 16 LBS में 4.5 मीटर यहाँ पर खड़ना चाहिए पुरुष के और महिलाओं के, ज़रूरी नहीं है। पीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 100 रुपये और एससी एसटी के कोई पीस नहीं है यहाँ पर। फॉर्म भरने के तरीके के बारे में बात करें हम तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उस पर जाना है। उसके बाद में आपको वेबसाइट पर जाने के बाद में लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है आपको दोस्तों। उसके बाद में आपको जो लॉगिन का बटन दिखाई देगा उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आपको संपूर्ण जानकारी जो भी मांगी गई है वो भरना है। इसके पश्चात आपको आवश्यक दस्तावेज और फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अब आपको प्लीज का भुगतान, फीस का जो भुगतान है वो कर देना है आपको। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है और एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। इस प्रकार से आपको एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को दबा दीजिए।